हेलो दोस्तों, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो टुडे हम बात करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में जो कि स्मॉल कैपिटल केमिकल सेक्टर है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे यासो इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो कि अगर बात किया जाए इस कंपनी की तो ग्रोइंग केमिकल सेक्टर है। एंड वन ईयर की बात करें तो कंपनी ने 100 से ज़्यादा फाइनली ग्रो देखने को मिला है। एंड फाइव ईयर्स की बात करें आने वाले टाइम पर तो 500% का रिटर्न बनाकर आने वाले टाइम पर ये स्मॉल कैपिटल कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपडेट केमिकल सेक्टर से रिलेटेड या किसी भी मार्केट स्टॉक से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यशो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, तो ये जो यशो इंडस्ट्री लिमिटेड है ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो सबसे पहले वैल्यूएशन रेशियो की बात करें तो वैल्यूएशन रेशियो के अकॉर्डिंग बात करें तो ये ओवर वैल्यूड जोन में देखा जा रहा है, जो कि कंपनी यहाँ पर 1651 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। एंड 52 वीक अगर हाई की बात करें 2099 यहाँ पर 52 वीक हाई है। एंड 52 वीक लो की बात करें तो 670, जो कि अगर वन ईयर की यहाँ पर चार्ट अगर हम देख लेते हैं कंपनी की, वन ईयर का चार्ट अगर देखें तो 116% का कंपनी ने रिटर्न बनाकर एक साल में कंपनी ने दिया है। एंड वहीं पर अगर 5 सालों का ग्राफ देखा जाए तो 1536% का कंपनी ने इन 5 सालों में रिटर्न बनाकर प्रोवाइड किया। इसके अलावा कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 1884 करोड़ का है। एंड कंपनी का ROCE एंड ROE काफ़ी गुड है, काफ़ी अच्छा है, जो कि आप सभी को पता है कि ROCE एंड ROE कंपनी का 20% अप्रॉक्सीमेटली कंपनी का यहाँ पर होना ही चाहिए, जो कि काफ़ी कंपनी हेल्दी मानी जाती है। इसके अलावा कंपनी की बात करें यासो इंडस्ट्री की, ये जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है यासो इंडस्ट्री, ये अरोमा रेंज केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कंपनी एंटी ऑक्सीडेंट रेंज केमिकल्स, ल्यूब रेंज, रबर रेंज केमिकल्स एंड वेरियस स्पेशलिटी रेंज केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है सेक्टर में। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी की जो द कंपनी मार्की क्लाइंट्स इंक्लूड्स डाबर, कॉन्टिनेंटल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बामर लॉरी, इंडियन ऑयल, अपोलो टायर्स, सीएट, अदानी एंड केवा कैमिन, जेके टायर्स, एमआरएफ टायर्स, तो ये सारी जो काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है। एंड यू नो इन सभी जितने भी मैंने अभी नेम यहाँ पर मैंने रीड किए हैं ये सारी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, मल्टीनेशनल है। एंड इन सारी जो कि कंपनी के बारे में जो इन बात कर रही हूँ मैं, तो ये काफ़ी ब्रांडेड कंपनी है एंड इनके क्लाइंट्स है, तो ओवियस बात है कि कंपनी आने वाले टाइम पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट बनाकर दे सकती है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि वन ईयर एंड फाइव ईयर की बात करें तो 100% कंपनी ग्रो करते हुए नजर आ रही है। एंड मार्केट कैपिटल भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी की पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 70.4%। CAGR की बात करें तो ओवर लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने 70.4% का ग्रोथ यहाँ पर गुड प्रॉफिट देखा गया। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाया है कि कंपनी का जो ROE है वो काफ़ी अच्छा है। एंड तीन सालों की बात करें तो 3 साल में कंपनी का जो ROE है वो 3.5% है, जो कि काफ़ी हेल्दी कंपनी है। यासो इंडस्ट्री की IPO की बात करें तो IPO प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज़ पर शेयर है। सेकेंड जो कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि अगर फिनोटेक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी 353 पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है, जो कि 1% का यानी ले सकते हैं 1.90 यानी 2% का यहाँ पर कंपनी का मार्केट डाउन देखा गया। इसके अलावा 52 वीक हाई की बात करें तो 409 था एंड 52 वीक लो की बात करें तो 104 था। इसके अलावा कंपनी का चार्ट देख लेते हैं वन ईयर का, तो वन ईयर की अगर चार्ट की बात करें तो 167% का कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिया पास्ट ईयर में। एंड वहीं फाइव ईयर की अगर बात करें तो 5 ईयर में कंपनी ने 1000 का रिटर्न बनाकर कंपनी ने 5 सालों में दिया है। इसके अलावा जो फिनोटेक्स केमिकल की बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड केमिकल है एंड कैन बी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड ऑल्सो फिनोटेक्स केमिकल जो है वो स्पेशलिटी केमिकल जो है केमिकल्स एंड इंजेम्स मैन्युफैक्चर करती है टेक्सटाइल के लिए, गारमेंट इंडस्ट्री के लिए, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री एंड एग्रो केमिकल्स के लिए मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि मल्टी डाइवर्जेंट कंपनी है। मार्केट कैपिटल कंपनी का 3900 करोड़ का है। कंपनी के ROE एंड ROCE भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी के क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि वेल्सपन, बंसवारा सिंटेक्स, नेहर, रिमेंट, अरविंद, मुंबई डाइन, क्लैरियंट, पीडी लाइट एंड दीपक फर्टिलाइजर्स अमंग्स अदर। इस क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि वेल्सपन है, बंसवारा सिंटेक्स है, नेहर रेमन टेक्सटाइल है, अरविंद है, मुंबई डाइंग्स है, क्लैरियंट है, पीडी लाइट है एंड दीपक फर्टिलाइजर्स अमंग्स अदर। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं इस कंपनी के। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 ईयर्स में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, 10 ईयर्स में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट बनाकर दिया है, 3 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने काम किया है एंड 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसका भी आप ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की पॉजिटिव को देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है।
थर्ड जो बात करने वाले हम विष्णु केमिकल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे जो कि क्रोम केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका जो अधिकतर केमिकल यूज़ किया जाता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी वैल्यूड है। जो कि वन ईयर की चार्ट की बात करें तो 167% का कंपनी ने रिटर्न बना कर दिया एक साल में, एंड फाइव ईयर का अगर हम ग्राफ देखें तो 675 का रिजल्ट बना कर दिया है फाइव ईयर्स में। एंड काफ़ी ग्रोइंग केमिकल्स है, स्मॉल कैप है। अनदर विष्णु केमिकल की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 2347 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। आरओसी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, आरओई भी आप देख सकते हैं 25% है। इसके अलावा जो कि विष्णु केमिकल जो है ये क्रोम केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, लाइक सोडियम डिक्रोमेट, पोटेशियम डिक्रोमेट एंड येलो सोडियम सल्फेट, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है ड्यूरेबिलिटी के लिए एंड करोशन रेसिस्टेंस के लिए वैल्यूड है। कार पेंटर, क्रोम पेंटर के लिए, कार के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टेड को देख लेते हैं, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, कंपनी deliver good profit growth of 64.8% CAGR last 5 year. तो पॉजिटिव कंसिडर करके चल सकते हैं। स्मॉल कैपिटल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है बट आने वाले टाइम पर इन 5 year में 500 तक का रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।